देहरादून जिले के डोईवाला में देर रात जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से दुधली क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए। उफनती नदी व नालों की वजह से दर्जनों घरों में पानी भर गया, सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। ऐसे में दुधली मोथरो वाला मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बंद है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। डोईवाला SDM अपर्णा ढोंडियाल मौके पर पहुंची। SDM ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुना। उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों से मलबा हटाने के आदेश दिए, साथ ही सिंचाई विभाग से नदी किनारे पुस्ते लगाए जाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान कांग्रेस नेता गौरव सिंह ने कहा कि लगभग चार दिनों से हर रात जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग डर के साए में जी रहे हैं। नदी व नाले उफान पर रहे और लोगों के घरों में पानी घुसा, सरकार को उसके पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, जो बड़कली और दूधली का एरिया है, जो सुसवा के आसपास का फ्लड प्रोन एरिया है, वहाँ पे काफ़ी मलबा आया है। इसमें निर्देश सिंचाई विभाग को ये दिए गए हैं कि बीच में जो मलबा आ गया है, डिपॉजिट हो गया, एक तो उसको चैनलाइज करवा दें, और इसके अलावा आवश्यकता अनुसार हम लोग वायर क्रेट्स भी लगाएंगे। हाँ जी, हम आज से ही काम स्टार्ट कर रहे हैं एंड प्रोबेबली एक दो दिन के अंदर हम लोग बेसिक चैनलाइजेशन जो रिक्वायर्ड है अभी और वायर क्रेट्स का काम है वो करवा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे त्यागी गार्डन के आसपास जो अभी फिलहाल विजिट किया है, इसमें जो दो परिवार हैं उनको मुख्यतः शिफ्ट करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, तो हम इनको नियर बाय शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, रोज रात को आजकल शाम के टाइम जब बारिश आ रही है, रास्ता बंद हो जा रहा है और सबसे बड़ा नुकसान सुसवा नदी की वजह से भूमि कटाव का हो रहा है। कहीं अब तो कहीं घरों पे भी ये हालत आ गई है, कब गिर जाए पता नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा नुकसान इस क्षेत्र में हो रहा है किसानों। जमीन लगभग, मैं समझता हूँ, दूधली क्षेत्र में मोहम्मदपुर बड़कली में लगभग 40 बीघे जमीन बह चुकी है, और अब मैं आप ये देख सकते हैं कि जंगल के खाले आ रहे हैं। उस समय हम जिस समय जंगलों में आग लग रही थी, हम चिल्ला रहे थे भाई इस आग को कंट्रोल कर लो, अगर ये आग कंट्रोल हुई होती तो आज ये नौबत इस क्षेत्र में नहीं आनी थी। मुझे भी जानकारी मिली है, गुज्जर ने बताया है, वो गुज्जर को मैंने बुला लिया अभी यहाँ पे। वो कह रहा था रात के टाइम सुसवा नदी में एक गाड़ी जा रही थी, इसमें मतलब इंडिकेटर चल रहे थे उस गाड़ी के, अभी पूरी जानकारी नहीं है जब तक ये गाड़ी ना मिले। वो पहली बार नहीं आया, ये हर साल हो रहा है, और जब से ये दीवार टूटी है जब से ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, इन्होंने गाड़ियाँ चलाने के लिए, अपनी गाय वगैरह को ले जाने के लिए पूरा का पूरा हटा दिया, और इसके बाद से परेशानी यहीं आ रही है। और आगे नहीं, वहाँ पे भी एक पुलिया है, आप देखोगे उस पुलिया के अंदर वहाँ पत्थर डाल दिए हैं, क्योंकि पानी सारा का सारा इधर छोड़ दिया गया। अब यहाँ से परेशानी शुरू होती है, और पूरा त्रिदेव एंक्लेव ये सारा चार चार फीट पानी चलता है। मेरे पास वीडियो है, आप देखना, मैंने ट्विटर पे शेयर भी किया है उस वीडियो को। इतनी परेशानी की गाड़ी दब रही है, जब स्कॉर्पियो तक की आधी गाड़ी डूब रही है, तो इतने पानी में तो घर की सामने दीवार गिर गई, वेडिंग पॉइंट की दीवार गिर गई। कोई घर में रात को पानी घुसा हुआ था, आगे पूरा फ्लड चल रहा था, दो फीट पानी बरामदे में चल रहा था, और क्या करें।